फ्रेंड्स, मैं विकास और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बेफिक्रे। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो विजिट वीज़ा कुवैत का खुल गया है और फैमिली वाले मेंबर्स को बुलाने के लिए क्या प्रोसेस होने वाला है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और किस तरीके का आपको खर्चा आने वाला है। तो ये पूरा वीडियो डेडिकेटेड है इस चीज़ के लिए। तो सबसे पहले आपको अगर आपको विजिट वीज़ा निकालना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक अपना सिविल आईडी, आपका पासपोर्ट और जिसको भी बुला रहे हैं विजिटर का पासपोर्ट्स और सैलरी सर्टिफिकेट। ये चार डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। इसे लेकर आप जाएंगे, अगर आप इंडियन हैं तो आप जाएंगे BLS के पासपोर्ट ऑफिस और वहाँ पर आपको बनवाना पड़ेगा रिलेशनशिप सर्टिफिकेट और इसकी कीमत आएगी 9.5 KD। ये लगभग आपको 2 दिन के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा। जब ये मिल जाएगा, ये सारे डॉक्यूमेंट लेके आप जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और जो आपका सर्टिफिकेट है विच इज़ कॉल्ड रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, उस पर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से साइन और स्टैम्प कराया जाएगा और जिसका खर्चा आएगा लगभग 5 KD। एक और इम्पॉर्टेंट सूचना कि अगर आप विजिट वीज़ा अपने बच्चे का निकाल रहे हैं तो आपको लगेगा बर्थ सर्टिफिकेट एंड मैरिज सर्टिफिकेट, दोनों लगेंगे बच्चे के केस में। और अगर पेरेंट्स हैं तो लगेगा आपका बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आप अपने माँ बाप को बुला रहे हैं तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा और अगर आप अपनी वाइफ को बुला रहे हैं तो आपको लगाना पड़ेगा मैरिज सर्टिफिकेट, ठीक है। और इस पे ये भी बताया गया है कि जो फीमेल्स मेल्स को स्पॉन्सर नहीं कर सकती। तो ये एक छोटा सा पॉइंट था जो मैं इस पे डिस्कस कर दिया मैंने। ओके, वेन एवर अब क्या है कि कोई भी सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल होना चाहिए, स्टैम्प होना चाहिए कुवैत एम्बेसी इन दिल्ली MEA एंड सर्टिफिकेट शुड बी ट्रांसलेटेड इन अरबिक एंड स्टैम्प एट MOFA मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखने की जो भी आपके सर्टिफिकेट है जो आपको सबमिट करने वो ओरिजिनल होने चाहिए और वो सर्टिफिकेट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एम्बेसी इन दिल्ली पे से स्टैम्प होने चाहिए, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ MEA उससे भी होने चाहिए और ये ट्रांसलेट भी होने चाहिए अरबिक में और स्टैम्प भी होने चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी एंड ऑल दस। ये सब सर्टिफिकेट जब आपके पास आ जाएगा, वो सर्टिफिकेट आने के बाद आपको अपनी अपॉइंटमेंट बुक करानी है मेटा डेटा वेबसाइट से और जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट है उस दिन आपको जाना है अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके। साथ ही साथ आपको फ़्लाइट टिकट भी बुक करानी है। जो फ़्लाइट टिकट्स आप बुक करा सकते हैं वो सिर्फ कुवैत एयरवेज या जजीरा से ही करा सकते हैं। तो ये पूरी डिटेल थी जिसको मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि काफ़ी लोगों की ये चीज़ें थी कि क्या प्रोसेस होगा, कितना खर्चा आएगा। तो इसमें लाइन बाय लाइन कोशिश की गई है कि सारे खर्चे के बारे में आपको बताया जाए जिससे कि अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप आराम से अपना फैमिली वालों का वीज़ा अप्लाई कर पाए। सो अब ये वीडियो कहीं ख़त्म करते हैं। होप करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कोशिश करता रहूँगा कि इस तरीके की और भी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपके पास क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट करें, कोशिश की जाएगी सारे कमेंट को जवाब देने के लिए। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें। तो बाय।